ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सोते हैं क्योंकि रात को भी खाना नहीं खाया। नॉन स्टॉप चलते हैं, फिर सुबह को सुलन पड़ना है खाली करने। गाइस बॉबी भाई थोड़ा पीछे वो भी पड़ने वाला रहे है, और अपना बॉबी भाई आगे निकल गया है। अपने भाई को जरा थोड़ा फेमस कर दीजिए। तो गाइस होटल से हम लोग निकल गए थे, बॉबी भाई मेरे वाली गाड़ी चला रहे हैं, मैं बॉबी भाई की गाड़ी चला रहा हूँ, बाकी भाई अपने साथ ही है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके थे नागदा, इधर भाई की शॉप है, ये अपना गाड़ी का कोई भी सामान लेना हो, ये भाई की टायर पंचर की दुकान है इधर पे। भाई के पास कोई भी अपनी गाड़ी आए तो टायर पंचर ग्रीस कमानी का सारा काम होता है, नागदा में भाई की दुकान है। मैं और बॉबी रुके थे इधर पे, तो अब हमने भी ग्रीस वगैरह करवा ली, चाय पी ली, अब निकलते हैं इधर से। ये अपनी गाड़ी, ये अपने बॉबी भाई की गाड़ी, देख सकते गाइस आप लोग, हमने ग्रीस करवा दी है, तो अब निकलते हैं इधर से गाइस। और भाई के पास कोई भी अपना भाई आए इधर से तो भाई के पास ग्रीस करवाए, एक नंबर आदमी है। ग्रीस की शॉप है भाई की, टायर पंचर और कमानी वगैरह कोई भी इससे रिलेटेड काम हो तो भाई की शॉप है नागदा में, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जावरा, ये जावरा सिटी गाइस। तो इधर से अब अपना बॉर्डर आएगा, नया गांव बॉर्डर, फिर बॉर्डर पार करेंगे। अभी इधर अपना पंजाबी ढाबा आता है, उधर रुक के डिनर करेंगे, बाकी ये जावरा सिटी गाइस। अपना बॉबी भाई थोड़ा आगे निकल गया था, वो हमारे से आगे चला है, बाकी मैं और अंकु भाई अभी इधर ही पहुँचे हैं। गाइस हम लोग पहुँच चुके थे जावरा, इधर रुक के भाई अपना जूस पीने, जूस पीते हैं, तो भाई ने जूस बनवा लिया था। कौन सा जूस बनाया है? हैं, मैंगो जूस बनाया भाई ने, तब जूस पीते हैं। ये अपनी गाड़ियाँ गाइस, अब हम यहाँ पे जूस पीते हैं, फिर जूस पी के यहाँ से आते हैं। दे दे भाई और दो गिलास। हाँ अरे ठीक है, का बढ़िया पीना जूस ठंड पा। चेयर्स टू लाइफ, मेक इट लार्ज, यू पीते रहो पिलाते रहो। चेयर्स गाइस। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए थे मेन रोड पे, अपना निमच वाले हाईवे पे। तो इधर भाई का ढाबा है, तो इधर हमने चाय पी और पोहा खाया, देख सकते हैं आप गाइज। तो अब अपने घर से निकलते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं आगे के सफ़र में। तो इधर पहुंच चुके थे हम, मेरे अपने हेमराज भाई, बाकी इधर से निकलते हैं भाई लोग। सुबह के 3 बज चुके हैं, अब जितना सफ़र होगा सुबह तक उतना ही करेंगे भाई, बाकी फिर जहाँ सुबह हो जाएगी उधर रेस्ट करेंगे तब। चलो सी यू गाइस, मिलते तब नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे चित्तौड़गढ़ निम्बोहेड़ा में, हमने चाय पी तब वहाँ से चल पड़े थे, फिर आज हमने खाना भी नहीं खाया। 4-1 बजे खाना खाया था, फिर उसके बाद भूख ही नहीं लगी, फिर अब देखते हैं सुबह ही खाएंगे अब खाना, बाकी अब चले हैं, देखते हैं कहाँ तक सफ़र हो पाता है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं रायला, अब इधर से निकलते हैं। अब रायला पहुँच चुके हैं, भाई को नींद आ रही थी, नींद पकाने के लिए गए थे छत के ऊपर, छत के और भाई गाड़ी चला रहे थे। अंकु गया है बॉबी के साथ बैठने,
और भाई मेरे साथ बैठने आया गाड़ी में, मैं क्या एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ देर के लिए। अब तो होटल पे रुकना ही हमने, सुबह भी हो चुकी है और सुबह के 6 बज चुके हैं और सूर्य देवता जी के भी दर्शन होने वाले हैं। अब ये देख सकते हैं आप, सूर्य देवता जी भी निकलते हुए। सुबह के व्यू की बात ही कुछ और होती है। ये देखिए गाइस, गाइज फाइनली हम पहुंच चुके थे बंधनवाड़ा बिट्टू भाई के ढाबे पे। अब खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सोते हैं क्योंकि रात को भी खाना नहीं खाया तो अब भूख भी लग गई है बहुत। तो अब खाना खाते हैं फिर नहाएंगे, मतलब पहले नहाएंगे फिर खाना खाएंगे फिर सो जाते हैं। सामने नहाने के लिए भाई ने बनाया हुआ, बाकी आप देख सकते हो हम इधर पहुँच चुके हैं। खाना खाते हैं और नहाते हैं, सो जाते हैं। यू गाइज, तो गाइज फाइनली हम नहा के आ चुके थे, फ्रेश हो चुके हैं। अब सो जाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे और शाम को चलेंगे यहाँ से कोई अपना 5-1 बजे, जो सुबह को सोलन पहुँचना है। सुबह की मंडी है हमारी भाई लोग। चलो सी यू गाइज, गाड़िया और ये हम देख रहे हैं और। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो हम उठ गए थे, क्या बोलते, सो के फिर अब फ्रेश हुए नहा धो के फिर से एक बार। वही भाई भी उठ गया था तो अब निकलते इधर से, टाइम भी बहुत हो गया है, 6 बज चुके हैं शाम के। ये हमारी गाड़ी है गाइज, तो अब इधर से निकलते हम, लेट हो चुके हैं बहुत पर अभी सो के उठे हम। और बाकी आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये हमारी गाड़ी है गाइस, तो अभी इधर से निकलते हैं। निकलने के लिए हम रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, चाय पी ली है और बाकी नहा भी गए एक बार फिर से। नहाए तो सुबह भी थे पर गर्मी बहुत है, पसीने से बुरा हाल हो गया था तो इसलिए अभी भी नहा चुके हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हम जयपुर, बगरू टोल टैक्स पार कर दिया है, अब इधर से जयपुर बाईपास स्टार्ट होने वाला है। अब इधर खाना खाते हैं, एक्सप्रेस पे घूम गए अपने अम्बाला वाले पे, इधर होटल है सामने, अब खाना खा लेते हैं तब उसके बाद नॉन स्टॉप चलते हैं फिर सुबह को सोलन पढ़ना है खाली करने। गाइस बॉबी भाई थोड़ा पीछे वो भी पढ़ने वाला है, तो अभी इधर खाना खाएंगे गाइस फिर उसके बाद नॉन स्टॉप चलेंगे। सुबह 6 बजे को पढ़ने को बोल रहा है भाई, सोलन 6 बजे पहुँच जाना फिर जल्दी खाली कर दूँगा जितने जल्दी पहुँच पाएंगे आप। हम पहुंच चुके थे नारनौल, अब अपने अंकुश्ता जी गाड़ी चला रहे हैं और अपना बॉबी भाई आगे निकल गया है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अम्बाला और मौसम भी खराब हो चुका है, मेरे को नारनौल से बारिश लग गई थी और अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, बीच बीच में बारिश हो रही है और बीच बीच में बंद हो रही है गाइस, पर गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई बारिश से, मौसम चिल्ड हो गया एकदम। बीच में गाइस
तापमान बहुत चल रहा है। पहुंच चुके हैं पिंजौर, पिंजौर से अपना परमाणु बाईपास में चले हैं। मौसम बड़ा सुहाना हुआ हुआ आज सुबह, बारिश से एकदम ठंडा हुआ हुआ। तो हिमाचल में एंट्री हो चुकी है हमारी गाइस, इधर भी बारिश का मौसम बन रहा है कुछ। इंद्रदेव जी इधर भी प्रसन्न हो रहे हैं शायद, ऐसा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। घर चला गया है, अब इसमें दूसरा भाई आया है राकेश भाई, तो अब खाली करने शिमला ये जाएगा। और वो घर चला गया था, उसने शादी में जाना है किसी की, पता नहीं शादी है बोले उधर जाना है, तो इस करके वो चल गया था। नेचर ट्रीट से आ गया है अभी, बारिश का मौसम एकदम बढ़िया वाला बन चुका है। दिखना है यहाँ से ये अपना जटोली टेम्पल, सोलन। और गाड़ी खाली होने लग चुकी थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, पर भाई लोग बारिश में गाड़ी खाली कर रहे हैं। देख सकते हैं आप गाड़ी के क्या हाल होते हैं, बारिश बहुत आई गाइस रात को। बाकी भाई लोग केला खाली करने लग चुके हैं, देख सकते हैं आप। फाइनली गाड़ी हो चुकी थी खाली, ये अपने नीरज भाई आए थे इधर, बाकी भाड़ा वगैरह मैंने ले लिया था भाई लोग। गाड़ी खाली हो चुकी थी, डाला वगैरह हमने लगा लिया था, मैं सोया हुआ था आज, लेट उठा सो के गाइस। तो भाड़ा ले लिया था, वॉशिंग कराने जाते हैं अमली वॉशिंग सेंटर पे। ये अपने भाई भी आए थे मिलने हमसे सोलन। तो गाड़ी खाली हो चुकी थी गाइस, अब इधर से निकलते हैं और गाड़ी की वॉशिंग कराते हैं अब अमली वॉशिंग सेंटर पे। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें, अपने भाई को जरा थोड़ा फेमस कर दीजिए भाई। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके थे वॉशिंग सेंटर पे अमली भाई के, तो अब वॉशिंग कराते हैं। बाकी इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करते हैं गाइज, बाकी जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी भाइयों का थैंक यू बहुत बहुत, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें गाइज।